वो बातें खा गई मुझको जो बातें पी गया था मैं हाय एम दिनेश एंड इन टूडेज़ वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ पोएम ए पोयजन ट्री बाय विलियम ब्लेक इन दिस पोएम विलियम ब्लेक टॉक्स अबाउट एंगर व्ट हैपन्स वेन यू सप्रेस योर एंगर यू डोंट शो योर इमोशंस यू डोंट एक्सप्रेस योर एंगर एंड यू जस्ट कीप इट इन योर हार्ट You pretend that you are not angry when you actually are, and how this anger inside you takes the form of a tree, a poisonous tree. So, this poem, A Poison Tree, was published in 1794 as part of his collection, Songs of Experience. From that perspective, it is important to note that there were 26 poems in Songs of Experience.

पर वो उससे कम्युनिकेट नहीं कर पाया तो उसका गुस्सा बढ़ता गया जो धीरे धीरे पोइट के लिए भी खतरनाक होता गया और उसके दुश्मन के लिए भी दस इन द वेरी फर्स्ट टेंजा पोइट एम्फसाइजिज ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड द पोइटिक डिवाइस दैट इज़ यूज इन द वेरी फर्स्ट स्टेंजा इज एनाफोरा एज यू कैन सी फर्स्ट स्टेंजा की सभी लाइंस आई से स्टार्ट होती हैं जब किसी पोएम की लाइंस सेम वर्ड से स्टार्ट होती हैं तो उसे हम एनाफोरा कहते हैं एनाफोरा का एक परफेक्ट एग्जांपल है आई हैव ए ड्रीम स्पीच ऑफ मार्टिन किंग जूनियर सेकेंड स्टेंजा में पोइट एंगर को एक एक्सटेंडेड मेटाफर की तरह यूज़ करता है एक ट्री की तरह यूज़ करता है एंड ही सेज कि उसका पॉइजन ट्री एंगर जो था उसका गुस्सा जो था एक पॉइजन ट्री की तरह उसके अंदर ही अंदर बढ़ता गया और उस ट्री को उसने अपने फीयर्स से अपने टीयर से वाटर दिया और हर बार अपने दुश्मन से सामना होने पर जो उसने फेक स्माइल्स दी दैट एवरीथिंग इज़ ओके उसकी फेक स्माइल्स ने सनशाइन की तरह काम किया उसके गुस्से के ट्री को ग्रो करने में In third stanza, poet alludes to the story of Adam and Eve. आप सभी को पता होगा पैराडाइज लॉस्ट की कहानी एडम एंड ईव यूज टू लिव इन पैराडाइज और उन्हें गॉड ने फॉरबिड किया था विजडम ट्री से एप्पल खाने से उसी तरह से नरेटर के गुस्से को कंपेयर किया गया है फॉरबिडन फ्रूट ब्राइट एप्पल से और नरेटर का एनिमी नरेटर की फेक स्माइल्स और झूठी मीठी बातों के झांसे में आ जाता है और नरेटर उसका मर्डर कर देता है जिस तरह से सेटन के इंस्टिगेट करने पे ईव ने एडम को फोर्स किया फॉरबिडन फ्रूट एप्पल खाने के लिए उसी तरह से फेक स्माइल्स नरेटर की वो वर्क करती हैं एज सेटन एंड इन एंड नरेटर इज़ ग्लैड टू सी हिज एनिमी डेड दस पॉइट प्रोजेक्ट्स द आइडिया दैट ए बेसिक ह्यूमन इमोशन एंगर दैट कुड है बट ड्यू टू लैक ऑफ कम्युनिकेशन दैट एंगर ट्रांसफॉर्म्ड इन टू ए पॉइजन ट्री एंड ट्री टुक ए लाइफ सो दैसेज इज दैट वी शुड नेवर सप्रेस आवर एंगर एंड वी शुड कम्युनिकेट हमें अपने गुस्से को अपने अंदर नफरत नहीं बनने देना चाहिए तो ये थी पोएम ए पॉइजन ट्री बाय विलियम ब्लैक आई होप आपको ये पोएम अच्छे से समझ आ गई होगी अगर आपके कुछ डाउट्स या क्वेश्चन हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो